हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। आज अभी मैंने एक वीडियो डाली है, एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। 15% डाउन चल रहा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको उसे परचेज करने की। तो आप उसकी स्टडी करके आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको एक पता चलेगा कि कौन सा शेयर है, क्या उसके फंडामेंटल्स है। और अगर बात करें हम इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आज की डेट में गिरते हुए बाजार में वो भागा भी है, ओके, काफ़ी दिन से मेरी नज़र भी थी। अभी भी उसमें ऊपर जाने के बहुत सारे पोटेंशियल है, एक रेपुटेड कंपनी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, पर बिफोर दैट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद करें और लोगों तक बस एक दूसरे की हेल्प करके शेयर करें। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, यहाँ पर आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसमें आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पुण्य काम में मदद कर सकते हैं और कुछ भी राशि अपने हिसाब से आप दे के आप एक पुण्य का काम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, क्यों बता रहा हूँ इस शेयर के बारे में, हम आगे बात करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ है क्या कंपनी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज एन इंडियन डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस फर्म ऑफरिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, रामदेव अग्रवाल जी का आपने नाम सुना होगा, इंडिया के वॉरेन बफेट कहा जाता है। ओके, सारे पैसे लगभग $1 बिलियन इन्होंने अपने जिस चीज़ से कमाया है वो है शेयर बाजार से। उन्हीं ने ही इस कंपनी की रचना करी है एक तरीके से अगर बात की जाए तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइट। तो ये ऑफर करते हैं क्या, अपनी सर्विसेज देते हैं, उनसे लोगों से इन्वेस्ट करते करवाते हैं या उनसे पैसे लेते हैं और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। SIPs के थ्रू, उनके म्यूचुअल फंड भी है, इनके इन्वेस्टमेंट स्टडीज भी है, गोल्ड ऑनलाइन, इस तरीके से मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड काम होते हैं, जो अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है, ये जो अपनी सर्विसेज हो गई ये देते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, तो जो शेयर से रिलेटेड ये मोतीलाल ओसवाल है, ओके, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें 1 month का, तो देखिए इसी रेंज में ये यहाँ पर क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली 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 इसने वो ब्रेक, ये वो रेंज तोड़ दी है और अभी 658 पे लगभग 7-6% की यहाँ पर जंप देखी गई है। और इसमें ये अगर बात करें 1 साल की, तो ये वो शेयर है जो अभी तक अपनी पेंडामिक से पहले का जो हाई था उसे अभी तक रीच नहीं कर पाया है। 750 का टारगेट था और अभी ये 658 पे चल रहा है, तो अभी भी 90 रुपीज़ लगभग 12-13% डाउन है। और मुझे ये लगता है आने वाले 1-2 महीने में, ओके, कहा जाए या बात कर जाए कुछ दिनों में, तो ये इसे अचीव कर देगा। ओके, बाय ऑन डिप्स अगर आपको मिलता है मौका तो ज़रूर करिएगा। और कंपनी काफ़ी ब्रोकरेज फर्म है एक तरीके की और काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और नामी गिरामी जो इनके फाउंडर है, ओके, रामदेव अग्रवाल साहब, वो इस कंपनी को संचालित करते हैं। तो हर चीज़ को देखते हुए ये कंपनी बढ़िया नज़र आ रही है। चार्ट पैटर्न ओके, फुल ऑन, मतलब क्या कहा जाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब वॉलेटिलिटी से भरा हुआ है। कभी ये शेयर 1500 से ऊपर चलता था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखी गई है, बट कंपनी में पोटेंशियल है, ओके, दोबारा ऊपर जा सकती है। और जो इसके टारगेट जो मैक्सिमम यहाँ पर 10 जैन के आसपास थे 1 साल पहले, ओके, वहाँ तक आपको जाते हुए नज़र आएगा। 52 वीक हाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अगर मैं आपके यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर आप देखिए डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती हुई हर साल नज़र आती है। 2018-19 में 2 बार, 20 में 1 बार, 21 में फिर दोबारा 1 बार। कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 70% की होल्डिंग खुद उन्होंने रख रखी है, बाकी FIIs, DIIs, ओके, इंडिया पब्लिक के पास यहाँ पर नज़र आती है। प्रॉफिट इज मेकिंग, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में क्या प्रॉफिट था और दिसंबर में बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर बात करें यहाँ पर इस कंपनी के 52 वीक लो 426, 52 वीक हाई 774, ओके, तो यहाँ तक तो आपको जाता हुआ ये शेयर नज़र आएगा। लगभग 42% की हिस्सेदारी आज की डेट में खरीदती हुई भी नज़र आई है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 9,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। वॉलेटिलिटी इसी वजह से नज़र आ रही है आपको, और भागती भी है ज़्यादा तो गिरती भी उसी हिसाब से है।
पी 14 के पी पे है, आरओसी 10 के आरओसी पे काम कर रहा है, ओके, और कंपनी हैज़ मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि आपको देते ही है, और डेटर सेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम इतने डेज से इतने डेज। तो ये छोड़िए, अगर बात की जाए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स सेल्स आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस बार की जो सेल्स थी इनकी 948 करोड़ रुपए की, अभी तक के इससे किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स से सबसे ज़्यादा थी। प्रॉफिट की बात की जाए तो अभी तक का जो प्रॉफिट था वो भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, 334 करोड़ रुपये का। कंपनी के अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली बेस परफॉर्मेंस की, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ईयरली बेस पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले 12 महीने 3,096 करोड़ रुपए की सेल्स करी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 544 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, बट कंपनी अब एडवर्टाइजमेंट वगैरह में खर्च कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आगे आगे चलते हुए यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। कंपनी के पास नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स 3,476 करोड़ रुपये के रिजर्व्स है। बोराइंग की बात की जाए, कंपनी का बोराइंग है 4,635 करोड़ रुपए की, बट पिछले अगर 1-2 साल की बात की जाए उधर से हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 2,592 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अगर बात की जाए कैश फ्लो की, कैश इक्विवेलेंट की, कैश बैंक बैलेंस की अगर, तो 2,353 करोड़ रुपए का कैश है। कंपनी के एसेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्लो भी अच्छा है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 70% की हिस्सेदारी है, जो कि हर क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कुछ 0.0, अगर बात की जाए 0.05% की, तो 9.42% की हिस्सेदारी FIS के पास है। DIS के पास भी यहाँ पर हिस्सेदारी है 4.4% की। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 15% की हिस्सेदारी है, और 15 भी नहीं कहेंगे, इनमें से यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 6.5% की हिस्सेदारी इन्होंने ही ले रखी है, दो बंदों ने, नवीन अग्रवाल और रजत राज गरी ने गरिया ने। तो लगभग बात की जाए तो 9% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी FIS DIS HNIs ओके प्रमोटर्स के पास यहाँ पर होल्डिंग है। तो कंपनी बड़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है, कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, हर क्वार्टर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर में जनरेट किया है, और कंपनी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, ओके 6% की जंप लगाई है, 750-55 रुपये तक ये तो इजीली जा सकती है, और बाकी अपना ऑल टाइम हाई कब तोड़ेगी उसके बारे में कुछ कहना अभी नहीं कहे तो अच्छा है, बट हाँ कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अगर इस तरीके से यहाँ कंपनी प्रॉफिट करती रही तो इस लेवल तक भी पहुँच जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अपनी कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी ये दोनों आप जरूर करिएगा, तभी पोजीशन लीजिएगा। ये नॉलेजेबल वीडियो थी, और हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जरूर करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस तरीके की वीडियो देख के मोटिवेट हो, ओके, और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करे। और जैसे आप और हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्टर बन रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग भी इन्वेस्टर बने, ओके, और FD के 4% की जगह शेयर मार्केट के 20 और 30% का प्रॉफिट लेके तहलका मचाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऑल अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।